कृषि विभाग कश्मीर के निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अनंतनाग जिले के दूरदराज इलाके दारवी हाल कपरान का दौरा किया। इस दौरान लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने चौधरी इकबाल को क्षेत्र में विभाग की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं चौधरी इकबाल द्वारा निर्देश दिए गए कि आलू की खेती की जमीन चिन्हित की जाए और किसानों को प्रत्येक योजना का लाभ मिल सके और लोगों को योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाए ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। कोई तकरीबन एक महीना पहले या सवा महीना पहले हमने डोरू में एक किसानों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बीच में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सारे मुलाजम और यहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में मौजूद थे। उन लोगों की मीटिंग में मौजूदगी की वजह से इन लोगों ने उस वक्त कहा कि हम बड़े दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं, तो हमारे इलाका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक टूर होना चाहिए कि यहाँ की जो मुश्किलात है उनको असेस किया जा सके। तो मैंने कोशिश की दो तीन बार यहाँ आने की, लेकिन किसी ऑफिशियल एक्सीजेंसी की वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे चीफ एग्रीकल्चर सर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मेरे जितने मुलाजम हैं कि वो इन लोगों के साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहे। तो आज सुबह मुझे असल में कहीं और जाना था, वो प्रोग्राम मेजर नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ ये हमारे एक यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सरपंच साहब, इनका मेरे पास नंबर था, तो मैंने इनको फ़ोन करके 9 बजे कहा कि मैं आज आपको उस इलाके में ऐसे आना चाहता हूँ, बल्कि मेरा यहाँ पर कोई लोगों से वो मिलजुल के कोई जलसा करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन मैं यहाँ आके इस चीज़ को मैंने असेस किया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिहाज से, क्योंकि ये टोटली जंगल के दामन में वर्जन इलाके हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ हो सकता है। और मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कुछ चंद गुजारिशात रखी हैं कि इस इलाके का एक सर्वे करके हम इन लोगों की, चाहे वो प्रोडक्शन के लिहाज से हो, चाहे वो कंजर्वेशन के लिहाज से हो, और दूसरे जो भी इकदाम इन लोगों की फलाह बहबूदी के लिए मैं कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि इनके लिए कुछ करेंगे। क्योंकि इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे याद आता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की यहाँ गुंजाइश है। और शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बीच में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फिशरीज़ और बहुत सारे महकमा जात, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जब हम कहते हैं, उन तमाम महकमा जात के लिए तकरीबन 29 प्रोजेक्ट जो हैं बनाए। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इन एरियाज़ के लिए खसूसी तवज्जो दी गई, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो भी एट पार, वो जो हमारे पास हमारे चैम्पियन फार्मर्स हैं जो अच्छे तरीके से खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक हैं और वो लगातार काम करने के बजाय, इनको भी उस दायरे में लाया जाए। आज ये वक्त है कि हम कश्मीर से यहाँ से सब्ज़ियाँ पैदा करते हैं, दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें पैदा करते हैं, मुल्क की दूसरी रियासतों में भेजते हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी भेजते हैं। और बाहर भेजने के लिए यह इलाके जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर शायद इन लोगों को अभी केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। इन लोगों के पास जो घर में भेड़ बकरियाँ गाय भैंस जो भी हैं उसका जो फार्म यार्ड मैनरी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यही कोशिश करें, डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने यही बताया कि वर्मी कंपोस्ट बना के इस इलाका को ऑर्गेनिक विलेज डिक्लेयर करें। और आज अंतराग से दी अर्थ न्यूज़ के लिए शाहिलाल की रिपोर्ट।